नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास टेंथ के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है क्लास टेंथ के मैथ के त्रिकोणमिति के कुछ विशेष गुणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यही क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात करें, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उन सबका जो है वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये देखिए हल, तो क्वेश्चन नंबर एक में जिसका मान निकालना है उसको जो है पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 इंटू साइन 45 डिग्री कितना होता है तो 1/√2। अगर देखिए यहाँ पर जो है 1 × 1 कितना होगा तो 1/√2 प्लस √3 × 1 कितना होगा तो √3/√2। यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा तो 2√2। और यहाँ देखिए 2√2 से जब इसको भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 × 1 क्या होगा तो 1 प्लस 2√2 से जब इसको भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 × √3 कितना होगा तो √3। यहाँ पर जो है लिखेंगे इसको √3 + 1/√2 और ये जो है किसका मान आ गया तो साइन 30 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री गुने साइन 45 डिग्री का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है कि कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10² 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है और जैसे कि हम जानते हैं कि कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर इंटू 10² 45 डिग्री का होता है 1 और स्क्वायर है तो क्या होगा 1² माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री है और सेक 60 डिग्री का होता है 2 तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। हमें देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 × 4 क्या होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अभी देखिए प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा तो कितना रहेगा तो 0 और ये 0 जो किसका मान आ गया तो कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10² 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 sin² 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 cos² 60 डिग्री इंटू sec² 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 × sin² 30 डिग्री है और जैसे कि हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 और स्क्वायर है तो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर गुने 10 60 डिग्री का होता है √3 माइनस यहाँ पर है 3 cos² 60 डिग्री तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × cos 60 डिग्री का होता है 1/2 और स्क्वायर है तो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर इंटू सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर सेक स्क्वायर 30 डिग्री है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 × लिखेंगे 1/4 × √3 माइनस 3 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 × 2/√3 है तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3। अब देखिए यहाँ 2 × 2 = 4 तो यहाँ पर रहेगा √3/2 माइनस 4 से 4 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस 1। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 2 एलसीएम आएगा और 2 को जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × √3 माइनस इस 2 में जब इस 1 से भाग देंगे तो आएगा 2 और 2 × 1 = 2 तो ये √3 − 2/2 क्या आ गया तो 2 sin² 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 cos² 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है कि 10 60 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 10 60 डिग्री वन कितना होता है तो √3 इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री है और जैसे कि हम जानते हैं कि कॉसेक 45 डिग्री वन होता है √2 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री है और जैसे कि हम जानते हैं कि सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू 10 45 डिग्री वन होता है 1। अब देखिए यहाँ पर √3 लिखेंगे यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4
और इन दोनों में से क्या करेंगे तो दो कॉमन ले लेंगे, तो क्या रहेगा तो रूट तीन प्लस दो, इन दोनों में से जब दो कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा तो रूट तीन प्लस दो, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पाँच में देखिए क्या है कि टेन 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो एक बटा रूट तीन, इंटू सेक 45 डिग्री का मान होता है रूट दो, प्लस टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट थ्री, इंटू सेक 30 डिग्री का मान होता है दो बटा रूट तीन। अब यहाँ देखिए रूट तीन से रूट तीन कट जाएगा और यहाँ पर रहेगा एक गुने रूट दो बट्टा रूट तीन प्लस दो। अब यदि यहाँ पर लिखते हैं कि दो प्लस इसको जो है प्रमेयकरण कर लेते हैं रूट तीन को, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट दो बट्टा रूट तीन गुने रूट तीन बट्टा रूट तीन। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे दो प्लस रूट टू गुने रूट तीन कितना होगा तो रूट छः बट्टा में, और रूट तीन गुने रूट तीन कितना होगा तो तीन, और ये जो है अपना आंसर आ गया।